अभी अभी हमने वनाका में एंट्री मार ली है। पूरा ट्री के पास ले जाओ। कौन सा ट्री? ट्री बहुत है इधर। यू डोंट नो अबाउट द ट्री हियर। व्हिच ट्री? इट्स इन द मिडल ऑफ द लेक। उसको ट्री को हाथ नहीं लगा सकते? नहीं, यहाँ पे जो ये इस पेड़ की खासियत ये है कि ये 70 साल पुराना पेड़ है। हाँ। पानी में जो 3 महीने जमीन पानी के बिना रहता है और बाद में 9 महीने पानी में रहता है। अच्छा, तो ये खासियत है। तो इसको हाँ, किसी भी बड़े बड़े घर में जाओगे आपको इसके फोटो मिलेंगे। ट्री की प्रोटेक्शन है गाइस, उसके ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते। देखो, सिर्फ फोटो खींच सकते। यही है वो वनाका ट्री जो हमें इतनी दूर क्वींसटाउन से खींच लाया है। आज देखो ये पानी से बाहर है तो पूरा पूरा पेड़ दिख रहा है। कितने अच्छे किस्मत है हमारे कि आज हमें पूरा पेड़ दिख रहा है, वरना ये पानी के अंदर होता है। गाइस, अभी अभी हमने वनाका में एंट्री मार ली है तो अभी हम आपको वनाका दिखाएंगे। काफी ट्रैफिक है छोटे से शहर में भी। शहर है ये कि टाउन को शहर बोलते हैं? टाउन हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, टाउन को। हाँ देखो, पंजाबी भी बोल रहा हूँ। हिंदी मीडियम स्टूडेंट को पूरा पता है। तो टाउन को हिंदी में कस्बा बोलते हैं। हम अभी एक छोटे से कस्बे में हैं और उस कस्बे में गाड़ियां देखो कितनी है, कितना ट्रैफिक है। सिटी होता है शहर, है ना? Yes. सिटी को शहर बोलते हैं और टाउन को कस्बा बोलते हैं। पिंड बोलते हैं पंजाबी में, पिंड बोलते हैं। कितना टाउन, पिंड बोलते हैं विलेज को। पिंड वो तेरी लुक एट दिस मैन। देखो कितनी चीजें सिखाएंगे आपको। Many things need to learn from you. Should I buy? घर रहने दो, इतने घर खरीद के क्या करना है हमें, है ना? तीन चार ऑलरेडी है। Look at the lake on the left hand side. On the right side. Oh my God! Look at that woman. I'm correcting him. We should help. Are we allowed to fly a drone? कितना सोना है, कितना सोना। तेन हमने हम दूसरी साइड पे नहीं। विजय भाई उधर चलते हैं ना, दूसरी साइड फ्रंट में। हाँ लेक के फ्रंट पे चलते हैं, वहां पे वो ट्री भी दिख जाएगा। और ट्री के पास चलते हैं। हाँ वो उस वहां पे ले जाओ, आपको ही फॉलो कर रहा हूँ ठीक है। मैं पूरा ट्री के पास ले जाओ। कौन सा ट्री? ट्री बहुत है इधर। यू डोंट नो अबाउट द ट्री हियर। व्हिच ट्री? इट्स इन द मिडल ऑफ द लेक एंड या दैट्स अ फेमस थिंग इन हियर। वी कैन सी सो मेनी ट्रीज हियर। सी नो ब्रो, इज देयर एनीथिंग? Somebody is calling me. Not somebody, he's your brother. Guys, my brother is calling me. Let me just pick a call, then I will get back to you. Cut ho gayi. Call cut ho. I missed this chance. And now you're gonna miss dinner today. Look at that house as well. The wooden one. Na kitna sahi hai na? Nahi, this one wooden one. This one. This is motel. Is it motel? Yes. Girls are very. That's a house. Girls are very intelligent, bro. No. There was a house. Oh, motel was just next to that house. Oh, hello, Kanyani. Abhi karte bhi aata. Risk. Risky hai. Risk mein din duniya, bro. Kuch log. He knows everything, but he's just checking the knowledge. तो गाइस यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत ट्री है, मैंने सुना, मुझे नहीं पता था कौन सा ट्री है कहाँ है, तो हमारे सनी भैया ने अभी अभी हमें बताया। तो सनी भैया उस ट्री के बारे में कोई स्पेशलिटी कुछ है? एक्चुअली मेरे को हिस्ट्री तो नहीं पता, लेकिन वो लेक के बीच में बना है, बहुत सुंदर लगता है अगर आप फोटोज वोटोज लो उसमें, तो अभी आप थोड़ी देर में देख भी लोगे। तो गाइस देखो, हमने सोचा कुछ और था, वो तो हो गया, लेकिन यहाँ हमें आके बहुत सी चीजें और मिल रही हैं, तो हम और दिखाएंगे आपको। लेक के बीचों बीच एक ऐसा ट्री
एक ऐसा अद्भुत कुदरत का करिश्मा आप जो सर्च भी कर सकते हो वानका ट्री ऑन गूगल, तो आपको एग्जैक्ट उसकी पिक्चर मिलेगी। लेकिन आज तो आप हम आपको लाइव ही दिखा देंगे। देखो धन्य भाग हमारे जो आप हमारे चैनल पे पधारे। ठीक है फिर दिखाते हैं हम आपको, हमारे साथ बनिए बने रहिए। कैसे बोलते हैं उसमें बनिए मत बनिए बने रहिए। नहीं वो न्यूज़ चैनल वाले कैसे बोलते हैं, प्लीज स्टे ट्यून्ड। और जिनको इंग्लिश नहीं आती समझ उतनी, तो उनके लिए बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस ये जो सामने दिख रहा है आपको इस साइड राइट हैंड साइड, ये जो राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है ये वानका की लेक है। इस लेक का क्या नाम है मुझे नहीं पता, वानका लेक। इस लेक का नाम वानका लेक है, वेरी सिंपल। और इस वानका लेक के बीचों बीच है एक वानका ट्री, वेरी सिंपल नेम। तो ये जो गाड़ी आगे आगे जा रही काली गाड़ी काली कार, इस काली कार को हम फॉलो कर रहे हैं। लाइफ में कभी हम काली चीजों को कम ही फॉलो करते हैं, लेकिन आज काली कार। Have you seen church already? Church? I don't know. Where is it? Church? I really don't know. प्रोग्राम कैंसिल करो यहाँ का। मिलेंगे कि पता है ना आपको चर्च का? यहाँ नहीं, सच में नहीं पता चर्च का, जो तो सच में ही नहीं पता। छोड़ो सब कुछ, यहाँ पे तो गाइस मैं वानका में रह चुका हूँ। अच्छा, उसके बावजूद भी मुझे पता नहीं। तो गाइस अभी हम वानका लेक के पास पहुँच गए हैं, और ये वानका लेक का खूबसूरत सा नज़ारा अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखो ठंड का मौसम है और लोग ठंड में भी नहा रहे हैं इधर। बहुत ज़्यादा जिगरा चाहिए इसके लिए, ठंड में ठंड से थर थर कांप रहे हैं हम। और लोग, और जैसा कि मैंने आपको बोला था मैं आपको वानका ट्री दिखाऊंगा, तो वानका ट्री इधर ही है हमारे पास, हमारे बहुत करीब है ये देखो। लेकिन पानी नहीं है उधर, विजय बहादुर के पानी सूख चुका है, सूखा पड़ गया है वानका में। ये देखो फैमिली वाले फोटो खींच रहे हैं, और कैमरामैन हमारे। देखो वानका ट्री दिखा आपको, वो रहा ट्री एक्चुअली, पानी कम है लेकिन दिख सकती। हाँ यही वो ट्री है जो 70 साल पुराना ट्रक, जिस ट्री की ये बात कर रहे थे गाड़ी में। गाइस वही है वो ट्री जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसके बिना, जिसको देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही थी। ऐसे वाले पेड़ तो हमारे बहुत होते हैं। यही है वो ट्री देखो। तो देखो बाकी भी ट्रीज हैं, लेकिन उस ट्री में कुछ स्पेशल है। वानका का दूसरा व्लॉग, लोग चल रहे हैं इधर, वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक पे हैं लोग। तो बाकी देखते हैं यहाँ क्या दिखाएं बाकी हम आपको। नहीं खिंचाना मुझे फोटो, मत खींचो। तो गाइस वानका ट्री को हाथ लगाएंगे हम, ये चैलेंज है हमारा। आंटी जी मना, वानका ट्री को हाथ लगा के आएंगे, मना चंद के। अच्छा हाथ नहीं लगा सकते नहीं। तो गाइस देखो कितने लोग आए हैं वानका ट्री को देखने के लिए, इतना भेदभाव। ये देखो इतने ट्री दिख रहे हैं लेकिन उनको वही देखना है। तो उसको ट्री को हाथ नहीं लगा सकते? नहीं, यहाँ पे जो ये इस पेड़ की खासियत ये है कि ये 70 साल पुराना पेड़ है। हाँ। पानी में जो 3 महीने जमीन पानी के बिना रहता है, और 9 महीने पानी में रहता है। अच्छा, तो ये खासियत है। तो इसको हाथ नहीं लगा सकते? यहाँ की कौंसिल ने बचा के रखा हुआ। हाथ लगा सकते हो लेकिन चढ़ नहीं सकते आप इस पे। तो आप क्या आप हमें बताएंगे कि ये काउंसिल ने कैसे बचाया है ये? हाँ? इसलिए बचाया ना, यहाँ पे रूल्स रखा है, इसको कोई इसके ऊपर चढ़ नहीं सकता है, इसको तोड़ नहीं सकता है, इसलिए ये बचा हुआ है। अच्छा देखा,
ट्री को तभी आते हैं, आप किसी भी बड़े बड़े घर में जाओगे आपको इसके फोटो मिलेंगे। ट्री की प्रोटेक्शन है गाइस, उसके ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, देखो सिर्फ फोटो खींच सकते हो, सिर्फ फोटो फोटो खींच सकते हो। और आज हम फोटो खींच के ही रहेंगे। फोटो खिंचाना है फिर ट्री के साथ, खिंचानी है, खिंचानी क्यों नहीं, कहीं दूसरे आए हैं, मैं तो पंजाब से आई हूँ बच्चे, तो इसलिए मैंने पूरा इंजॉय करना है यहाँ पे। और जो बनाका में बनी हुई है ट्री, उसके पास मैं जाने लगी हूँ और फिर उसके पास ही मैं अपनी एक स्नैप लूँगा और फिर आप उसको अपलोड करेंगे, लाइक करना, हाँ उसको लाइक करना, फिर अच्छा सा कमेंट करना, लोग देखो ना, लोग देखो, बस एक पेड़ की फोटो खींच रहे हैं। इस पेड़ की जो पहचान है, बहुत ही पुराना पेड़। देखो नीचे देखो, वाइट जूता काला हो सकता है कीचड़ में, और आज तक ये पेड़ खराब नहीं हुआ, ये देखो, ये एक वीआईपी पेड़ है, ठीक है, हाथ नहीं लगाना मना है उसको, हाथ नहीं लगा सकते। इन मट तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये पानी में आ जाएगा ना पूरा पानी। ये देखो कितने लोग आए पेड़ को देखने, मुझे लग ही नहीं आ रहे हैं लोग, तो फाइनली यही है वो पेड़। मैंने लगा दिया है, चलो ये जो मेरे पीठ पीछे दिख रहा है आपको, बड़ा खूबसूरत सा पेड़, यही है वो वानाका ट्री जो हमें इतनी दूर क्वींसटाउन से खींच लाया है। आज देखो ये पानी से बाहर है तो पूरा पूरा पेड़ दिख रहा है, कितने अच्छे किस्मत है हमारे कि आज हमें पूरा पेड़ दिख रहा है, वरना ये पानी के अंदर होता है, ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है मुझे ये पेड़। तो गाइस ये वानाका ट्री देखने के बाद अभी हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें, उम्मीद है जब आप ये वीडियो देखोगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा वानाका ट्री को देख के। विजय कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वानाका ट्री अच्छा लगा कि हमारे साथ आके अच्छा लगा? नज़ारे लिए हैं, वानाका ट्री अच्छा था, अच्छा लगा, हमारे साथ आके अच्छा नहीं लगा भाई। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी प्लेस बन रखी है यहाँ पे, अगर रहने के लिए भी बहुत अच्छी है, अगर थोड़ा कॉस्टली है, कॉस्टली चलो ठीक है, बट हाँ सेम ही है एक हिसाब से, बट अच्छा है, दैट्स नाइस प्लेस टू लिव डाउन हियर। नहा नहीं सकते, ठंड लग रही है थोड़ी, नहा सकते हो सिर्फ समर में, नहा सकते हैं बट नहीं नहीं विंटर में भी नहा सकते हैं अगर आप चाहो तो, बस आग जलाई होनी चाहिए साइड पे फिर आराम से नहा सकते हैं। तो डुबकी लगा के सीधा, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिल्कुल भाई, और इंस्टाग्राम पे हम सबको फॉलो करें, मेरा नाम इंस्टाग्राम में क्या है? मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सबके नाम। बिल्कुल ठीक है,